राम राम प्रणाम। मैं स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल सुनीता उपाध्याय ब्लॉग में। तो मेरे ब्लॉग में आप ऐसे ही बने रहें, अपना प्यार दुलार देना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा जिससे कि मेरा वीडियो आप तक पहुंच जाए। और मेरे वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए, आपके प्यार और सहयोग की बहुत ज़रूरत है। और वैसे आप लोग मेरा बहुत सहयोग करते हैं, तो मेरे वीडियो में यूँ बने रहे, देखिए और क्या क्या चीज़ें हम दिखाते हैं। तो राम राम प्रणाम। बहुत हो गया है, खाना बनाने का मन नहीं है, भूख भी लगी है, तो कुछ तो बनाना है। तो मेरे पास फ्रिज खोला तो हमने देखा यही आलू हमें उबला हुआ मिल गया और ये ब्रेड मिला, तो कुछ तो बनाना है, भूख भी शांत हो जाए, हल्का भी रहे और टेस्टी भी लगे। तो उसके लिए मुझे क्या बनाना है, ब्रेड निकाल लिया है, आलू ले लिया है, आलू चल रहे हैं घसेंगे, घस के फिर बताते हैं क्या करना है। बस ऐसे ही घसना है इसको, आलू को हमने घस लिया है क्योंकि आज ना तो मेरे पास कोई मसाला है, ना तो प्याज है, कुछ भी नहीं है, बस हरा मिर्चा हरी धनिया है। अब इसी से मुझे टेस्टी सा सैंडविच बनाना है, तो देखिए कैसे बनाते हैं। अब जो है तेल डाल दिए हैं, तेल में हमें डालना है जीरा, फिर इसके बाद डालना है थोड़ा सा राई, अब डालना है हमको मिर्चा, मिर्चा हो गया, अब इसमें डालना करी पत्ता, थोड़ा सा कलर करने के लिए हल्दी डालेंगे, अब इसी में डाल देंगे हम ये आलू जो घसे हुए हैं। तो अच्छे से उसको मिला लेंगे, खूब अच्छे से मिला लेंगे इसको, थोड़ा भूनेंगे कुछ देर, ताकि दो तीन दिन का आलू है तो अच्छे से भून जाएगा, तो टेस्टी भी लगेगा और सही रहेगा ना। अब इसी में डाल देंगे धनिया पत्ती, खूब सारी धनिया पत्ती मैंने लिया है, थोड़ा सा और टेस्टी बनाने के लिए पीसी हुई काली मिर्च डाल देंगे, और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए भुना हुआ जीरा डाल देंगे, अब स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, ठीक, नमक डाल देंगे अच्छे से, जितना मुझे स्वाद चाहिए उतना नमक डाल के खूब अच्छे से इसको मिला दें। अब ये बिल्कुल तैयार हो गया है, अब इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, अब आगे का प्रोसेस बताते हैं। अब आते हैं हम ब्रेड पे, ये है सेजवान चटनी, थोड़ा इसकी मदद लेंगे। अभी सेजवान चटनी हम सभी ब्रेड में लगा दिए हैं, अब आगे देखिए क्या करते हैं असली बात। इसे आप लोग पहचान रहे हैं चीज़, ये इसको भरते को इस पे लगा लिया है ब्रेड पे, अब दूसरा काम बताते हैं। जितनी ज़रूरत है उतना हमने लगा लिया है, अब आगे बताते हैं कि मुझे और क्या करना है। ये चीज़ को मैंने डाल दिया है और देखिए अब इसको बताते हैं, ये हमने पैकिंग कर दिया है बिल्कुल से। तवे पे हमने तेल डाल दिया है, गैस को कर दिया है ऑन, अब तवा गर्म हो फिर बताते हैं। चूँकि मेरे पास टोस्टर नहीं है, तो ऐसा तो है नहीं टोस्टर नहीं है तो हम कोई चीज़ बना खा नहीं पाएंगे, खूब अच्छे से बना लेंगे। ये देखिए लाइट भी चली गई, अब ये धीरे धीरे पकेगा, अब ये हो रहे हैं दोनों अच्छे से, धीमे हमें बढ़िया से पकाना है, ऊपर साइड भी तेल लगा देंगे अच्छे से, थोड़ा सा फर्स्ट क्लास एकदम से करारी करारी हो गई है मेरी सैंडविच, मुझे पता है बहुत टेस्टी यम्मी बनने वाला है। अब बिल्कुल रेडी है, अब इसे उतारना है, दूसरा वाला चढ़ा दिया है, बाकी मेरे ये तैयार हैं बिल्कुल से, एकदम बढ़िया एकदम रेडी स्थिति में, क्योंकि इसको हम सीधा काटेंगे, तिरछा नहीं काटेंगे, क्योंकि चीज जो है आधा आधा था तो इसलिए बीच से काटेंगे। ये हमारा चीज वाला सैंडविच बिल्कुल तैयार है, इमली की चटनी के साथ इसको लगाएंगे, इसे भी तैयार करेंगे। ये देखिए चीज़ सैंडविच बिल्कुल एकदम अच्छे से तैयार है,
अटेंडम क्या ही बना सकते थे, तो यही बनाए हम। नहीं नहीं ले जाओ, ले जाओ, तब तक हम इधर बना रहे हैं। लास्ट वाला बनाना है हमें, वो पूरा पूरा डाल के बनाएंगे क्योंकि थोड़ा बचा है। बिल्कुल एकदम तैयार है मेरा, एकदम भरा भरा हुआ सा। इसको अलग तरीके से बनाए हैं, आप लोगों ने देख ही लिया, फिर देखिए आगे किसका किसका खाने का मन कर रहा है। बिल्कुल यम्मी टेस्टी एकदम तैयार है, करारी करारी गरम गरम।